भारतीय जनता पार्टी अपना उत्सव मना रही है। किस चीज़ का उत्सव मना रही है? जनता दुखी है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो बैरंग फिर वापस जाना पड़ेगा। 19 लाख रोजगार कहाँ है? देखिए, राजद को अपनी चिंता करनी चाहिए अपने पार्टी के लिए। नीतीश जी हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में बिहार में हमारी सरकार मजबूती से चल रही है बिहार के विकास के लिए। और बिहार के लिए गौरव की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की मोर्चों की संयुक्त कार्य समिति की पहली बैठक हो रही है। ये बहुत अच्छा माने बड़ा विषय है, देश में कहीं भी हो सकता था लेकिन बिहार को चुना गया, चूँकि बिहार का कहीं ना कहीं ग्राफ ऊपर हुआ है। बिहार में हमने करके कुछ दिखाया है। किसानों के बीच जाना चाहिए, गांवों में जाना चाहिए, नौजवानों की बात सुननी चाहिए, महंगाई क्यों? लेकिन ये अपना उत्सव मना रहे हैं। अब तो JDU इनके साथ है। अब ये जो अपना सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने का प्रयास BJP का है, वो बिहार में भी अपना ऑपरेशन लोटस चलाने का प्रयास में है, लेकिन यहाँ तो लालटेन है। लालटेन की लौ में 3 दशकों से तो कोई ऑपरेशन लोटस काम ही नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को विश्वास हुआ कि बिहार में कराने से अच्छा संदेश जाएगा, और खुशी की बात है कि उसका उद्घाटन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा साहब कर रहे हैं, इसका समापन गृह मंत्री जी अमित शाह जी कर रहे हैं। तो ये दो दो बड़े नेता आएंगे, बिहार के बारे में बताएंगे लोगों को और निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश लेके जाएंगे। तो उनके स्वागत में हम शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, इसमें क्या प्रेशर पॉलिटिक्स है? ये बिहार की धरती है, यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट काम नहीं करता है। सारा एक्सपेरिमेंट तो 3 दशकों से फेल है, इसलिए BJP बैसाखी पर है। तो इनका ये सब एक्सपेरिमेंट क्या चलेगा? एक्सपेरिमेंट तो जनता का समर्थन से न होता है। जनता का समर्थन है नहीं तो फिर आप क्या एक्सपेरिमेंट कीजिएगा? पहले तो सत्ता में जो दल हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, जनता भी सब देख रही है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी का भी जो समाजवाद का अंश है दिलों में, वो जब जगेगा तो नीतीश कुमार जी भी इन पर नकेल कसेंगे। प्रेशर तो राजद के लोगों पर बन रहा है कि भाजपा के प्रति लोगों का लगाव बढ़ रहा है, भाजपा में युवा जुड़ रहे हैं, महिलाएँ, गरीब, दलित सारे भाजपा की ओर देख रहे हैं। तो दिक्कत तो उनको हो रही है, अपने बारे में बताना चाहिए कि वो बिहार की जनता के लिए क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, समय पर क्यों लापता हो जाते हैं। तो बिहार में भाजपा मजबूती से बिहारवासियों के हित के लिए काम कर रही है नीतीश जी के नेतृत्व में, और आगे करते रहेगी। तैयारी है, क्या कुछ होने वाला है? अरे, भारतीय जनता पार्टी अपना उत्सव मना रही है। किस चीज़ का उत्सव मना रही है? जनता दुखी है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो बैरंग फिर वापस जाना पड़ेगा। 19 लाख रोजगार कहाँ है? महंगाई जिस तरह GST लगा दिया गया है आटा और घी और दही पर, तो जनता तो खोज ही रही है। भाई, बिहार सबसे ज़्यादा त्राहिमाम कर रहा है, सुखाड़ की स्थिति है, किसान परेशान, नौजवान परेशान, बेरोजगारी की मार। अब ये अपना उत्सव मना रहे हैं, सरकार में है, सरकार को काम करना है। किसान सुखाड़ में परेशान हैं, बदहाल हैं, उनकी चिंता नहीं है? तो भारतीय जनता पार्टी को, उनके केंद्र नेतृत्व को आकर के किसानों के बीच जाना चाहिए, गांवों में जाना चाहिए, नौजवानों की बात सुननी चाहिए, महंगाई क्यों? लेकिन ये अपना उत्सव मना रहे हैं। अब तो JDU इनके साथ है। अब ये जो अपना सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने का प्रयास BJP का है, वो बिहार में भी अपना ऑपरेशन लोटस चलाने का प्रयास में है, लेकिन यहाँ तो लालटेन है। लालटेन की लौ में 3 दशकों से तो कोई ऑपरेशन लोटस काम ही नहीं कर रहा है, इसलिए सबसे बड़े दल के रूप में तेजस्वी यादव जी हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो करने जा रही है, अब ये देखना है कि डबल इंजन की सरकार में बिहार को क्या फायदा होता है। जनता परेशान है, गरीबों का थाली खाली है, नौजवान बेरोजगार हो रहा है, हो गया है, और महंगाई चरम पर है, और ये अपना उत्सव मना रहे हैं। BJP कह रही है कि पहली बार ऐसा एक्सपेरिमेंट बिहार में किया जा रहा है, क्या ये 2024-25 के लिए एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है? ये बिहार की धरती है, यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट काम नहीं करता है। सारा एक्सपेरिमेंट तो 3 दशकों से फेल है, इसलिए BJP बैसाखी पर है। तो इनका ये सब एक्सपेरिमेंट क्या चलेगा? एक्सपेरिमेंट तो जनता का समर्थन से न होता है। जनता का समर्थन है नहीं तो फिर आप
क्या एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। पहले तो सत्ता में जो दल हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, जनता भी सब देख रही है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी का भी जो समाजवाद का अंश है दिलों में, वो जब जगेगा तो नीतीश कुमार जी भी इन पर नकेल कसेंगे। तो क्या समझा जाए इसको, दोनों पार्टियां आपस में लड़ रही है और आप तो विधानसभा का टारगेट किया गया है। अब वो 300 पर करें कि 200 पर करें, वो अपना जेडीयू सहयोगी को आंख दिखा रहे हैं भले, लेकिन यहां तो खड़ा है एक ऐसा चट्टान आदरणीय लालू प्रसाद जी तेजस्वी यादव जी के जैसा, बीजेपी से पार नहीं कर पाएगी। बीजेपी का सपना बिहार में पूरा नहीं होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, रोड शो होगा, आरजेडी करिए कि प्रेशर पॉलिटिक्स नीतीश कुमार को डराने की दबाने की देखिए, राजद को अपनी चिंता करनी चाहिए अपने पार्टी के लिए। नीतीश जी हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में बिहार में हमारी सरकार मजबूती से चल रही है बिहार के विकास के लिए। और बिहार के लिए गौरव की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की मोर्चों की संयुक्त कार्य समिति की पहली बैठक हो रही है। ये बहुत अच्छा माने बड़ा विषय है, देश में कहीं भी हो सकता था लेकिन बिहार को चुना गया, चूँकि बिहार का कहीं ना कहीं ग्राफ ऊपर हुआ है, बिहार ने हमने करके कुछ दिखाया है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को विश्वास हुआ कि बिहार में कराने से अच्छा संदेश जाएगा। और खुशी की बात है कि उसका उद्घाटन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा साहब कर रहे हैं, इसका समापन गृह मंत्री जी अमित शाह जी कर रहे हैं। तो ये दो दो बड़े नेता आएंगे, बिहार के बारे में बताएंगे लोगों को और निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश लेके जाएंगे। तो उनके स्वागत में हम शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, इसमें क्या प्रेशर पॉलिटिक्स है? प्रेशर तो राजद के लोगों पर बन रहा है कि भाजपा के प्रति लोगों का लगाव बढ़ रहा है, भाजपा में युवा जुड़ रहे हैं, महिलाएँ, गरीब, दलित सारे भाजपा की ओर देख रहे हैं। तो दिक्कत तो उनको हो रही है, अपने बारे में बताना चाहिए कि वो बिहार की जनता के लिए क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, समय पर क्यों लापता हो जाते हैं। तो बिहार में भाजपा मजबूती से बिहारवासियों के हित के लिए काम कर रही है नीतीश जी के नेतृत्व में और आगे करते रहेगी।